हेलो फ्रेंड्स तो ये वीडियो एक्चुअली आपको मोटिवेट करने के लिए है तो इन माय व्यू मोटिवेशन जैसा इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग ठीक है तो ये बस आपका एक फीलिंग है तो फीलिंग्स के हिसाब से आप कोई भी काम अचीव करना बहुत मुश्किल होता है जनरली क्योंकि फीलिंग्स कम है फीलिंग्स को तो मोटिवेशन क्या होता है आपको अगर कोई चीज़ करने का मन नहीं है और फिर आप कुछ ऐसा चीज़ देखोगे यू विल रीड अ बुक और लिसन टू अ सॉन्ग और वॉच अ वीडियो और वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो लाइक दिस सो यू स्टार्ट स्टडिंग तो जनरली दैट डज नॉट वर्क ठीक है इट माइट वर्क फॉर अ फ्यू मोमेंट्स मे बी फॉर अ फ्यू आवर्स बट इन द लॉन्ग रन इट वोंट वर्क बिकॉज इट्स लाइक अ फीलिंग तो आपको क्या करना है यू हैव टू हैव समिंग कॉल्ड इट डिसिप्लिन ठीक है तो डिसिप्लिन क्या होता है डिसिप्लिन होगा देन यूर बी एबल टू अचीव सम थिंग्स इन लाइफ सो अगेन इवन इफ यू वर्क यूर हार्डेस्ट एंड यू डू एवरीथिंग राइट समटाइम्स इट जस्ट डजन वर्क आउट तो अगेन यू हैव टू ट्राई सो रिमेंबर दर इज नथिंग कॉल्ड एस फेलियर ठीक है फेलियर्स नहीं होते यू ओनली हैव ट्राइज ठीक है तो यू हैव ट्राइज सम ट्राइज वर्कआउट सम ट्राई इज़ डो नॉट एंड विच यू डू नॉट एंड इवन विच द वन विच वर्क आउट यू शूड ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट ठीक है तो हमें क्या करना है कोई भी लट से अगर हमारा एम तो ये चैनल पर अगर आप आए हो तो आपका ऑबियसली सॉट ऑफ एम होगा कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एग्जाम में मुझे अच्छा करना है फिर मे बी आपका कुछ और एस्परेशंस होगा लाइक एन डी एग्ज़ाम या फिर आपका कुछ एग्ज़ाम्स जैसे आपके आ, जे ई हो गया नीट हो गया इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं बाकी स्ट्रीम्स भी होते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ ना है बिकॉज आफ्टर ट्वेल्थ यू कैन स्टडी लाइक ऑलमोस्ट लाइक depending on the requirements. तो so, अगर आप ट्वेल्थ के बाद आपको साइंस में ग्रेजुएशन करना है तो ऑब्वियसली वो नीड अ साइंस डिग्री ओके सो देर आर सर्टन कंडीशंस ठीक है तो अभी क्या है अगर आपको ट्वेल्थ एग्जाम में अच्छा करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना एन सी आर टी बुक खोलो वो बहुत ही सॉर्ट ऑफ सिंपलिस्टिक वे में लिखा है चीज़ें ठीक है तो उसको आप पढ़ो तो कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूज़ द इंटरनेट इंटरनेट इज़ योर बिगेस्ट टूल नाउ एक्चुअली एक फैक्ट है ड्यूरिंग द एटीज़ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लानट उनके पास जितना इंफॉर्मेशन नहीं है नहीं था उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज आजकल आपके हाथ में ही है आपके फ़ोन में आपके डिवाइस में तो द इंटरनेट वॉज एक्चुअली डिवाइस बाय द अमेरिकन मिलिट्री तो इट वॉज़ प्रपोज टू बी यूज बाय द मिलिट्री बट देन एवरी वन सो इट्स लाइक इट्स यूजफुलनेस एंड हाउ यूजिंग इट यू कैन एक्चुअली डेवलप एंड एंटाइर इकोनॉमी आपका पूरा आई टी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट टू सर्टन एक्सटेंट ठीक है तो एंड एनी सेक्टर एक्चुअली आपको ट्रेन में जाना है आपको बस में जाना है आपको प्लेन में जाना है आपको खाना मंगाना है आपको कुछ कपड़े खरीदना है तो एट एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट हैज टू बी थ्रू द इंटरनेट ठीक है तो आप उसको यूज करो तो यू कैन यूज़ आवर प्लेटफॉर्म एम वाइब है एम बाई में आपको ऐसे लाइव क्लासेस भी मिलेंगे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी आपको मिलता है फिर हमारा एम बाई डॉट कॉम है तो आप पहले एन सी आर टी बुक पूरा थॉरली पढ़ो आप एम बाई का हेल्प ले सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ क्लासेस भी होंगे कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी होंगे वो वीडियोस भी आप देख सकते हो जिस जहाँ आपको डाउट लगे तो आप पढ़ के फिर एम का क्या है हमारे पास टेस्टिंग फीचर्स भी है तो आप जाके चैप्टर टेस्ट ले सकते हो तो जो चाहो चैप्टर आप पढ़ोगे वो चैप्टर आप टेस्ट लेके तो अगेन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स तो अगेन ये थोड़ा हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड मैंने बोल दिया बट फॉर यू गाइज तो आप मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो यू कैन ऑलवेज लिसन टू मोटिवेशनल स्पीचेस इट एक्चुअली पम्प यू अप तो आपको यू नो यू कैन गेट समटाइम्स एवरी बडी फील्स डाउन सो समाइम्स वी नीड अ पुश तो पुश के लिए मोटिवेशन यूज़ करो बट हमेशा पुश नहीं होता है इसीलिए डिसिप्लिन रहोगे तो पढ़ सकते हो तो अगेन ऑलवेज रिमेंबर जितना भी आप पढ़ोगे इट शुड बी विथ क्वालिटी क्वालिटी विथ क्वान्टिटी सम्स ओनली स्टार्टिंग फॉर अ फ्यू आवर्स वन आवर टू आवर इवन हाफ एन आवर अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे देन यू कैन एक्चुअली गेट द स्टफ वे इजिली एंड आई वुड रिकमेंड यू जब आप पढ़ाई करते हो तो ट्राई टू रिलेट दूस थिंग्स टू योर डेली लाइफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डोंट जस्ट ट्राई टू मग अप मग अप करने से इट्स एक्चुअली मोर स्ट्रेनियस ठीक है और उसका एक्चुअली बाद में जाके ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आप भूल जाते हो उसको फिर तो मगप मत करना सारी चीज़ें उसको अच्छे से उसको समझ के पढ़ना यूट्यूब का हेल्प लेना अगर एम पे आपको वीडियोस ना मिले यूट्यूब जैसे आपका कोई एक्सपेरिमेंट हो गया तो ए, लेट से एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि आप रेड लिटमस पेपर लिए उसको एक बेस में डाला तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा फिर सेम लिटमस पेपर को फिर से लेके एक एसिड में डाला तो वो फिर से रेड से ब्लू हुआ ब्लू से वापस रेड होगा कि नहीं ये किसको पता तो अभी ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो ठीक है तो आपके प्रैक्टिकल्स जो होंगे प्रैक्टिकल्स जब होंगे तो आपका प्रैक्टिकल का भी आपके टोटल मार्क्स में एक रोल होता है तो प्रैक्टिकल्स प्लीज़ अच्छे से करो बिकॉज आपका प्रैक्टिकल अगर अच्छे से होगा तो यू कैन एक्चुअली डू अंडरस्टैंड लोड्स ऑफ स्टाफ प्रैक्टिकल्स करने का रीज़न ही होता है अंडरस्टैंडिंग तो प्रैक्टिकल में जनरली लोग थोड़ा चिल मारते हैं पर चिल आप मार सकते हो यू शुड बी चिल बट यू शुड ऑल्सो बी यू शुड नो वेंट टू बी चिल एंड वेंट टू बी वर्किंग हार्ड तो जितना आप प्रैक्टिकल करोगे यू कैन फिनिश यो वर्क एंड देन यू कैन शॉर्ट ऑफ यू नो चिल अब इट बट अच्छे से करना बिकॉज साइंस में प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिना प्रैक्टिकल्स के बस थ्योरी पढ़ के बहुत मुश्किल होता है कुछ भी uh, करना ठीक है तो अगेन आपको अगर मार्क्स लाने थ्योरी सब्जेक्ट में तो हमेशा याद रखना कि आपका जो एन सी आर टी का बोर्ड एग्जाम है वो आपके एन सी आर टी बुक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो एन के इंटेक्स क्वेश्चन और ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन अच्छे से करो फिर प्रीवियस ईयर एन या फिर एन सी सैम्पल पेपर उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लो या फिर प्रीवियस ईयर आपके सी के जो क्वेश्चन पेपर से उनको सॉल्व कर लो तो इतना से आपका हो जाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या है तो मैं आपको रास्ता बोल रहा हूँ ठीक है आई I, मतलब आई वॉन्ट्स गिव यू अग स्पीच कि कैसे ये करने से आपका पढ़ाई बेटर हो जाएगा ये करने से आप बेटर हो जाओगे मैं बस आपको रास्ता बोल सकता हूँ बिकॉज इन माई व्यू मोटिवेशनल स्पीचेस जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में उनको देने से बेटर होता है बिकॉज दे हैव दैट मच लाइक बिहाइंड देम टू सपोर्ट टू दे कैन से ओके इट वुड होल्ड मोर सब्सटेंस तो आई एम नॉट एट दैट लेवल राइट नो तो आपको मैं बस अभी रास्ता बोल सकता हूँ ठीक है तो ट्वेल्थ में आप अगर केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में देखो मैं आपका मार्किंग सिम देखा सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम कंट्रीब्यूशन ही है तो जो जो चैप्टर आपका आपको लग रहा है इजी लग रहा है और जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट है और जो आप इजीली समझ पा रहे हो वो अच्छे से करना फिर जो चैप्टर्स आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है वो थोड़ा बाद में करना पहले जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना वीकनेसेस को बाद में रख के फोकस करना बट दे शुड बी एट द बैक ऑफ दियोर माइंड बिकॉज फर्स्ट योर प्रायरिटी शुड बी इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंग्स बिकॉज एट एंड स्ट्रेंग्स ही आपको यूज कर हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ में सक्सेस लाने के लिए ठीक है तो तो ऑलवेज रिम्बर मोटिवेशन से ज़्यादा हेल्प नहीं होता आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़े यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी ठीक है strategy, एक प्लान होना चाहिए स्ट्रैटेजी अगेन ये स्ट्रेटजी आपके ऊपर डिपेंड करेगा नो वन कैन से यू एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइन टू वर्क फॉर यू तो आप फिगर आउट करो आप यू नो यू आर नाउ ऑलमोस्ट प्री अडल्ट तो आप लोग थोड़ा तो दिमाग में मेचोरिटी को आ गया होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो प्लीज़ डोंट गो डाउन द रोंग पाथ बी यू नो डू द राइट थिंग्स देन गुड थिंग्स हैपन विथ यू तो वही है आपका सीन तो अगेन अगर आप सी बी एस ई का पेपर भी अच्छे से दे दोगे एन सी जो आपका क्वेश्चन पेपर तो आपका नीट और जे ई लेवल अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो मेडिकल एग्जाम या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम तो वो आपको ईजी हो जाएगा क्योंकि नीट और जे ई मेन्स का लेवल सी बी एस ई से ज़्यादा ऊपर नहीं है तो यू कैन ईजिली इवन प्रिपेयर फॉर दैट तो इन दी एंड आई वुड से मोटिवेशन डज नॉट वर्क यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी एंड टू इम्प्लीमेंट दैस्ट्रेटेजी यू शुड हैव अ डिसिप्लिन तो अगेन दै स्ट्रेटेजी विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल जैसे कि आपका अगर यू find more comfortable to study in the night. So you study in the night, but always remember you should always sleep 7 hours, 7 to 8 hours because you are in a growing stage. Then uh, some people find it more comfortable to study in the morning. So in the morning me up along with that please be active because you are at a growing age. So you should at least be active for a few at least half an hour to 45 minutes to one hour every day. So you can go for a run or cycle or play something. So that keeps your body fresh as well as mind fresh. और एल्स इट बिकम्स वेरी लथार्जिक ओके सो मेक श्योर सो हेल्दी माइंड रेस्ट विद इन अ हेल्दी बॉडी इफ यू डोंट हैव अल्दी बॉडी यू टू बी डिफिकल्ट टू हैव अल्दी माइंड ओके सो एंड डोंट टेक टू मच प्रेसर ओके बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल यू कैन ओनली कंट्रोल सो मच तो आप बस प्रिपेयर कर सकते हो अगर राइट वे में प्रिपेयर किओगे तो एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम तो अच्छा जाएगा बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ही रेयर होता है तो जैसा क्वेश्चंस हमेशा से आते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं ठीक है ठीके? हर साल ये हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तो लाइक आई गेव ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स इन ट्वेंटी फोर्टीन फॉर माई बैच द फिजिक्स पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट तो अगेन बट स्टिल इफ़ यू हैव बेसिक प्रिपरेशन यू शुड बी स्कोरिंग गुड मार्क्स ठीक है एंड डोंट गेट टू स्केट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स इट इज़ नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑन द प्लानट आप ओवर प्रेशर लेने से भी ख़राब होता है एक स्ट्रैटेजी रखो सिंपल प्रिपेयर करो

Keep imbibing. We believe in you.